मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा केमिकल बॉन्डिंग ये टॉपिक हमें अभी चालू है और इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है, MOT मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, बराबर है। इस मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के जो फीचर्स हैं वो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। इस लेक्चर में बेटा ये थ्योरी का जो मानना है कि भाई मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ें मैं इंक्लूड करूँगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्मेशन में कंडीशंस क्या होती हैं, ये एक टॉपिक रहेगा। और जिस ढंग से इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम एटम के अंदर आपबाव प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे भी एक फॉर्मेट बना हुआ है जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए है, ताकि इलेक्ट्रॉन्स कैसे फील होंगे उसमें आपको हेल्प मिलेगी, बराबर है। ये दो टॉपिक बेटा इस लेक्चर में मैं इंक्लूड करने वाला हूँ, ठीक है। चलो देखते हैं इसमें पहला पॉइंट, ठीक है, कंडीशंस फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। कंडीशन फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कुल मिला के तीन कंडीशंस है, देखते हैं कौन कौन सी कंडीशंस है इसमें। बेटा सबसे फर्स्ट कंडीशंस, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होंगे उनकी एनर्जी सेम या नियरली सेम होनी चाहिए, ठीक है। इसमें कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सेम और नियरली सेम एनर्जी, ठीक है ना। एंड जो भी बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होंगे क्या बनाने के लिए बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, उनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए या नियरली ऑलमोस्ट सेम रही तो भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद में इसमें सेकंड पॉइंट, मान चलो कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है लेकिन उनकी सिमेट्री डिफरेंट है, तब भी बेटा ओवरलैपिंग, तब भी उनका कॉम्बिनेशन तैयार नहीं होगा, तब भी वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो एनर्जी सेम होनी चाहिए, उसके साथ साथ में सिमेट्री भी सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। इसमें एक एग्जांपल बताता मैं आपको, मान के चलो कि एक इसका मतलब एटम के अंदर, ठीक है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है ना, दो अलग अलग एटम के, तो एक का 2px और दूसरे का 2py, ठीक है ना, ये दोनों आपस में कंबाइन होने जा रहे हैं, ठीक है ना, आपस में कंबाइन होने जा रहे हैं बेटा, लेकिन इनका जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशंस नहीं कर सकते क्यों। क्योंकि बेटा देखो दोनों p ऑर्बिटल है, एनर्जी तो सेम है, लेकिन बेटा ये x एक्सिस पर और ये y एक्सिस पर है, सिमेट्री डिफरेंट है, ठीक है ना। रीजन क्या है बेटा इसका रीजन क्या रहेगा, इसमें एनर्जी तो सेम है बट सिमेट्री क्या होगी बेटा, इनकी डिफरेंट होगी, ठीक है। तो आगे आधार में, तो अगर किसी एक एटम का 2px है तो दूसरे एटम का भी 2px ही होना चाहिए, आप 2py या 2pz नहीं ले सकते, ठीक है ना। आगे आधार में सेकंड पॉइंट, मतलब एनर्जी सेम तो चाहिए ही चाहिए, सिमेट्री भी सेम चाहिए, तो px दूसरे px के साथ, py दूसरे py के साथ, pz दूसरे pz के साथ, इस तरह से, ठीक है ना, इधर का s ऑर्बिटल दूसरे के s के साथ, इस तरह, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, अब इसमें पॉइंट्स कैसे लिखेंगे, ठीक है ना।
इसमें बेटा पॉइंट्स लिखेंगे, सेकंड पॉइंट इसी बेसिस पर लिखेंगे, कंबाइनिंग कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सेम सिमेट्री, मस्ट हैव सेम सिमेट्री, ठीक है ना। और ये सिमेट्री बेटा एक्सिस को लेके है, इसलिए यहां पे एक और पॉइंट ऐड कर देंगे, हैव सेम सिमेट्री अबाउट अबाउट मॉलिक्यूलर एक्सिस, अबाउट मॉलिक्यूलर एक्सिस, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट नोट करना है, हमें नोट करना है यहाँ पे जेड एक्सिस जो है ना उसे, ठीक है ना, उसे मॉलिक्यूलर एक्सिस मतलब मेन एक्सिस कंसीडर करना है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे कंसीडर करके चलना है, मान के चलना है, ठीक है। तो नोट, जेड एक्सिस कंसीडर कंसीडर्ड एज मॉलिक्यूलर एक्सिस, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, जेड जो है वो मेन एक्सिस रहेगा, ठीक है। पहले इसका ओवरलैपिंग होगा, ध्यान रखना, ठीक है। जिसमें तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, ठीक है ना, तीसरा जो पॉइंट है बेटा उसको भी यहीं पे लिख लेते हैं, फिर कंडीशंस एड हो जाती है, ठीक है ना। यही पॉइंट दिया हुआ इसमें, ठीक है। अब बेटा इसमें जो ये ऑर्बिटल्स है, आपको पता है बॉन्ड बनने के लिए इनका ओवरलैपिंग होना जरूरी है, इस तरह से। तो ये ओवरलैपिंग जितना पॉसिबल है उतना होना चाहिए ताकि बॉन्ड स्ट्रांग बने, ठीक है। इसमें तीसरा जो पॉइंट है इसको लिखेंगे कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट ओवरलैप टू मैक्सिमम एक्सटेंड, जितना पॉसिबल है बेटा उतना, तो जितना ज्यादा ओवरलैपिंग रहेगा बेटा उतना स्ट्रांग बनेगा, ठीक है। ये तीन कंडीशंस थी जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को फॉलो करना पड़ेगी, ठीक है। पहली कंडीशन बेटा एनर्जी के बारे में है, एनर्जी सेम होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन यह है कि भी सिमेट्री सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। और तीसरी कंडीशन है कि जब भी ओवरलैप होंगे तो मैक्सिमम एक्सटेंड तक, जितना पॉसिबल है उतना, जितना ज़्यादा ओवरलैप उतना वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ये मैंने पहला पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर दिया, कंडीशंस क्या है। अब बेटा मैं आपको एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, ठीक है ना, देखते हैं। बेटा देखो, एनर्जी लेवल डायग्राम मतलब यू समझ लीजिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए ये अपाव प्रिंसिपल के समान ही है, इसी को हमें फॉलो करना है। जब कभी भी हम क्या करना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहेंगे किसके हिसाब से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के हिसाब से, जैसे हम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ये जो लिखते हैं ना अपाव प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए, उसी तरह से बेटा आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए भी लिखना है, ठीक है। तो क्या होगा फॉर्मेट वो देखने जा रहे हो, ठीक है। तो बेटा यहां पे हमने हेडिंग लिखा एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है बेटा। इसमें दो टाइप के कैटेगरी है, एक जिसमें जेड ग्रेटर देन 7 मतलब एटॉमिक नंबर 7 से ज्यादा है, और एक जिसमें एटॉमिक नंबर 7 से कम है, ठीक है ना। 7 से कम, 7 तक मतलब नाइट्रोजन तक, इधर
नाइट्रोजन से ज्यादा हो गया तो इधर, ठीक है ना, दोनों में थोड़ा अलग अलग कंडीशन है, ठीक है। अब बेटा इधर देखो, ठीक है ना, इसमें इधर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इधर एटॉमिक ऑर्बिटल्स और बीच में बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इस तरह से लिखेंगे आप, ठीक है ना। इधर एक एटॉमिक ऑर्बिटल वाला कॉलम, इधर एटॉमिक ऑर्बिटल वाला कॉलम, बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। अब एटॉमिक ऑर्बिटल में हम शुरुआत कैसे करते हैं, 1s, उसके बाद में 2s, उसके बाद में 2p, उसके बाद में 3s, जितने एग्जांपल्स हमें स्टडी के लिए मिलेंगे वो बेटा इसी में खत्म हो जाते हैं, 3s या मैक्सिमम 3p तक, ठीक है ना। तो 3p का अरेंजमेंट 2p के समान ही होगा, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें अब ग्रेटर देन 7 के लिए है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ठीक है ना, इस साइड में भी रहेगा, इस साइड में भी 1s, इधर 2s, इधर 2p, इधर 3s, ठीक है। तो बेटा इधर देखो, 1s का एक ऑर्बिटल, इस 2s का भी एक ऑर्बिटल, p के बेटा 3 ऑर्बिटल्स और s का बेटा एक ऑर्बिटल्स, इधर भी s का एक ऑर्बिटल्स, p के 3 ऑर्बिटल्स, इधर s का एक ऑर्बिटल, s का एक ऑर्बिटल, ठीक है। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं बेटा उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, ठीक है। ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे, ठीक है ना, ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे, ये कंबाइन हुए इस तरह से, ठीक है ना। दूसरा, ठीक है बेटा, इसमें इसका एक एटॉमिक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसका तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे थे, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं, यहां पे भी एक और ये दो, ठीक है ना। अब यहाँ पे बेटा कितने है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, 6 है, यहाँ पे भी 6 बनेंगे, ठीक है ना। ठीक है, अभी जो 6 बनेंगे वो अरेंज कैसे रहेंगे, तो वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक यहाँ पे रहेगा, बाकी दो यहाँ पे रहेंगे, फिर दो यहाँ पे रहेगा और एक यहाँ पे रहेगा, ये पैटर्न ध्यान में रखिए कैसा अरेंजमेंट रहता है, ठीक है। उसके बाद बेटा ये दो है, यहाँ पे एक और यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो बेटा अरेंजमेंट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना, 7 से अगर ग्रेटर है तो किस तरह से रहेगा अरेंजमेंट, ठीक है। चलो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब इनका नाम तो 2p है, इसमें ये रहेगा बेटा px, ये रहेगा py, ये रहेगा pz, ठीक है ना। इधर भी ये रहेगा px, ये रहेगा py, ये रहेगा pz, ठीक है। बाकी तो इसमें तो कोई s में तो होता ही नहीं, सिंगल ही रहता है, ठीक है ना। अब इनके नाम कैसे रहेंगे, ठीक है ना, अब इनके नाम ध्यान से देखो बेटा, इसका नाम रहेगा, इसका नाम रहेगा सिग्मा 1s, इसका नाम रहेगा बेटा सिग्मा एस्ट्रिक 1s। इधर देखो सिग्मा बॉन्ड है, ये तो कंफर्म हो गया, एस्ट्रिक का साइन लग गया, एस्ट्रिक का साइन अगर नहीं है तो बॉन्डिंग, बॉन्डिंग वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एस्ट्रिक का साइन है तो बेटा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ध्यान में रखना, ठीक है। इस तरह से यहां पे भी नाम आ जाएगा बेटा सिग्मा 2s और सिग्मा एस्ट्रिक 2s, ठीक है ना, ध्यान। उसमें बेटा जो सिंगल वाला रहता है ना, ये हमेशा पी शेड रहेगा, ठीक है ना, ये वाला सिग्मा 2pz, ये एकदम सिंगल वाला सिग्मा एस्ट्रिक 2pz, ठीक है ना, बराबर। उसके बाद में बेटा ये दोनों जो है ये पाई बॉन्ड रहते हैं, एक सिग्मा बन गया तो दोनों क्या रहेंगे, पाई, इसमें ये पाई, सॉरी इसको देते, इसको पाई, ये 2py और ये पाई 2px, क्योंकि जेड तो यहाँ लिख चुके अपन, ये 2px, ठीक है ना। ये दोनों सेम साथ में, सेम एनर्जी के साथ रहते हैं, इसीलिए इसको इक्वल का साइन बीच में रहेगा। फिर बेटा यहाँ पे पाई आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा पाई एस्ट्रिक 2py equal to pi asterisk 2px,
एक्स वाई यहाँ पे जेड ऊपर, ठीक है ना, एक्स वाई हमेशा साथ में रहेंगे, जेड डिफरेंट रहेगा, ठीक है ना, सिंगल रहेगा, ठीक है। इस तरह से ये देखो लेबरिंग, एक इसके बाद में ये, 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 दोनों साथ में, उसके बाद में ये, दोनों साथ में, उसके बाद में ये, इस तरह से बेटा एनर्जी क्या होती है, इस डायरेक्शन में एनर्जी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। इस डायरेक्शन में बेटा एनर्जी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। सबसे कम एनर्जी वाला उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद ये दोनों, उसके बाद ये दोनों, उसके बाद में ये, उसके बाद में दोनों, ठीक है ना। तो ये रहेगा बेटा अपबाउ के हिसाब से, अपबाउ में कैसा रहता है, पहले कम वाले को 1s 2s उसी तरह से ये रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे सिग्मा 1s सिग्मा एस्ट्रिक 1s सिग्मा 2s सिग्मा एस्ट्रिक 2s इस तरह से रहेगा। तो इसको कैसे यूज करना वो आपको बताऊंगा, अब इसे इतना ध्यान में रखिए, ठीक है ना। यहाँ पे क्या रहेगा बेटा, सिग्मा ये रहेगा 3s और ये रहेगा सिग्मा एस्ट्रिक 3s, ठीक है। तो ये जब जेड की वैल्यू 7 से ज्यादा हो तो इस तरह के फॉर्मेट को हमें इस्तेमाल करना है, ठीक है, आया ध्यान में। चलो अब बेटा 7 से कम रहा तो कैसे इस्तेमाल करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। अब इसके लिए भी बेटा यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और फिर ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये इसका कॉलम, ठीक है। अब इसमें भी सेम, यहाँ पे 1s उसके बाद में 2s उसके बाद में 2p उसके बाद में 3s, इसका एक ऑर्बिटल, इसका एक ऑर्बिटल, इसके तीन ऑर्बिटल्स, इसका एक ऑर्बिटल्स, ठीक है। यहाँ पे 1s यहाँ पे 2s यहाँ पे 2p यहाँ पे 3s, ठीक है। उसमें इसका एक ऑर्बिटल्स, इसका एक ऑर्बिटल्स, इसके तीन ऑर्बिटल्स, इसका एक ऑर्बिटल्स, ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पे ठीक है, सेम तरीके से फॉर्मेट मैंने बना दिया, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अरेंज करेंगे, ठीक है। इधर देखो यहाँ पे दो है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी दो रहेंगे, यहाँ पे भी दो है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी दो रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी दो है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी दो रहेंगे, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है, पी के इसमें अरेंजमेंट में डिफरेंस है। यहाँ पे कैसा था बेटा अरेंजमेंट, यहाँ पे अरेंजमेंट कैसा था कि पहले सिंगल फिर बाद में दो फिर सिंगल, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है कि नीचे ये जो है तीन, इसको सिर्फ ऐसा घुमा देना है ऐसा, बस मतलब यहाँ पे अरेंजमेंट कैसा रहेगा, ये ऊपर का तो ये तीन वाला ऐसे रहेगा, ठीक है ना। इसको घुमाना है कि ये एक ऊपर चले जाएगा और ये दो नीचे आ जाएंगे, इतना सा डिफरेंस है बेटा, ठीक है ना। कब, जब एटॉमिक नंबर 7 से कम हो तब, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद में चलो अब इसमें नाम लिख लेते बेटा, इसका सिग्मा 1s इसका सिग्मा एस्ट्रिक 1s इसका सिग्मा 2s इसका सिग्मा एस्ट्रिक 2s, ठीक है। अब ये जो है बेटा इसमें, ठीक है ना, पार, ठीक है, तो इसमें ये वाला जो रहेगा ये हो जाएगा सिग्मा 2pz, ठीक है ना। ये px ये py ये pz, इसके बाद में ये px ये py ये pz, ध्यान से देखना, प्रैक्टिस करना थोड़ा सा इसको, ठीक है, ठीक नहीं बिना देखे, ठीक है ना। सिग्मा 2pz हो गया, ये आ जाएगा बेटा पाई 2py इक्वल टू पाई 2px, अब ये हो जाएगा पाई एस्ट्रिक 2py इक्वल टू पाई एस्ट्रिक 2px, x को इधर y को इधर कर सकते हो, सबको प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये सिग्मा था, ये हो जाएगा सिग्मा एस्ट्रिक 2pz, ये हो जाएगा सिग्मा 3s और ये सिग्मा एस्ट्रिक 3s, ठीक है। तो जहां पे डिफरेंस है उस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पे ये जो टू ये p वाला जो है इसका अरेंजमेंट कैसा है बेटा, ट्रायंगल और इसमें दूसरा ट्रायंगल ऐसा है, उल्टा p का अरेंजमेंट, ठीक है ना। और यहाँ पे p के अरेंजमेंट में क्या दिया बेटा, एक ट्रायंगल और दूसरा भी उसी तरह से, दोनों ट्रायंगल सीधे है, दोनों ट्रायंगल इसमें सीधे, देखो ट्रायंगल बन रहा है ऐसा, एक ट्रायंगल और ये दूसरा ट्रायंगल, तो दोनों ट्रायंगल सीधे हैं,
ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ये एक ट्रायंगल और दूसरा उल्टा ट्रायंगल बन रहा है ऐसा ऐसा, ठीक है ना। तो इस तरह से बेटा आप याद रख सकते हैं, बहुत इजी फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया है याद करने का, ठीक है ना। तो इस तरह से बेटा ये एनर्जी लेवल डायग्राम है मॉलिकुलर ऑर्बिटल के लिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद होना जरूरी है, तभी आप मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से कोई भी मॉलिक्यूल्स अगर आपको दिया हो तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, ठीक है ना। अब इसके एग्जांपल्स और ठीक है बाकी के जो कुछ भी है इसमें डाटा मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड करेंगे बेटा, ठीक है। तब तक के लिए बेटा थैंक यू। बेटा ये जो हम अरेंजमेंट करेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम जो रहेगा, ठीक है ना, हमारे इसमें एक एनर्जी लेवल डायग्राम यहाँ पे रखा है, इस बेसिस पर हम ऐसा क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, प्रिडिक्शन जो रहेगा, डिसीजन जो रहेगा किसी भी मॉलिक्यूल्स को लेके क्या डिसाइड किया जा सकता है वो देखते हैं इसमें, ठीक है ना। इसमें बेटा सबसे पहले, ठीक है ना, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, ये पहला जो डिसीजन है हम वो ले सकते हैं। अब इसके लिए क्या है बेटा, हमें इसमें Nb और Na ये दोनों चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। Na Nb का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बराबर है, और Na का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये दोनों चीजें पहले काउंट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इधर देखो बोले जहां पे एस्ट्रिक का साइन नहीं है, यहां पे एस्ट्रिक का साइन नहीं है, यहां के इलेक्ट्रॉन, यहां पे एस्ट्रिक का साइन नहीं है, यहां के इलेक्ट्रॉन, ये तीनों जगह पर एस्ट्रिक का साइन नहीं है, देखो कहीं पे भी ये तीनों जगह पे इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, और फिर यहां पे देखो एस्ट्रिक का साइन नहीं है, तो जहां पे एस्ट्रिक का साइन नहीं है वहां के इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, Nb, ठीक है ना, और जहां पे एस्ट्रिक का साइन है वहां के इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो क्या कहलाएगा, Na, बराबर, ठीक है। जिसमें तो बहुत सिंपल सा इसमें कंक्लूजन रहेगा, Nb की वैल्यू अगर Na से ज्यादा है तो समझ लेना मॉलिक्यूल कैसा है, स्टेबल है, बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा रहने चाहिए, ठीक है ना। और मान लो Nb से Na ज्यादा हो गया तो समझ लेना बनने वाला मॉलिक्यूल जो है वो कैसा है, अनस्टेबल है, ठीक है। तो ये बेटा पहला कंक्लूजन जो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में बेटा दूसरा कंक्लूजन, ठीक है ना, मैग्नेटिक नेचर, ठीक है ना, मैग्नेटिक नेचर मतलब बनने वाला मॉलिक्यूल्स पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक, ठीक है ना। तो यहां पे लिखेंगे इफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बेटा इसमें बता रहा हूं ये जो बीच का जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसमें कहीं पे भी अगर किसी भी सर्कल में सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखा, सिंगल पेयर नहीं, सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो समझ लेना उस कंडीशन में बनने वाला मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, पैरामैग्नेटिक, क्या बन जाएगा वो, पैरामैग्नेटिक मतलब उसमें मैग्नेटिक नेचर रहेगा, ठीक है ना। इफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो। दूसरा दिया है इफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंटेन्स पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, कहीं पे भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है, सब जगह पर दो दो इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं सब सर्कल में, तो समझ लेना उस समय मॉलिक्यूल का नेचर हो जाएगा डायमैग्नेटिक, और डायमैग्नेटिक जो है बेटा इसका मतलब क्या होता है कि उसमें मैग्नेटिक नेचर बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इस तरह से बेटा ये दो चीजें हमने डिसाइड कर ली इस बेसिस पर, एनर्जी लेवल डायग्राम के बेसिस पर, ठीक है ना। अब तीसरा और लास्ट चीज हम इसमें से पता लगा सकते हैं बेटा, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर का पता लगा सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है
दो एटम के बीच में ये जो रहेगा क्या बोलना चाहिए उसको, ये जो रहेगा क्या बोलना चाहिए उसको, बॉन्ड, उसका नंबर, बॉन्ड ऑर्डर मतलब दो एटम के बीच के नंबर्स, बॉन्ड नंबर्स, ठीक है ना, कितना रहेंगे बॉन्ड्स। तो बेटा बॉन्ड ऑर्डर पता लगाने के लिए यहाँ में एक फार्मूला है, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू, ठीक है ना, इसमें 1/2 एन बी माइनस एन ए, इस फॉर्मूले के थ्रू हम बॉन्ड ऑर्डर का पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। इसमें ये जो बॉन्ड ऑर्डर है, अगर ये पॉजिटिव आया, पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर है, ठीक है ना, तो समझ लेना जो मॉलिक्यूल्स बनेगा वो कैसा रहेगा बेटा, स्टेबल, पॉजिटिव अगर है तो, ठीक है ना, बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव रहा तो स्टेबल, ठीक है ना। और मान लो बॉन्ड ऑर्डर अगर नेगेटिव आ गया या फिर जीरो आ गया, ठीक है ना, नेगेटिव आर जीरो बॉन्ड ऑर्डर अगर ऐसा आ जाता है, ठीक है ना, तो समझ लेना मॉलिक्यूल्स अनस्टेबल रहेगा या फिर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, बनेगा ही नहीं, ठीक है ना, ये दो पॉसिबिलिटीज है, बराबर, एक तो अनस्टेबल रहेगा या तो बनेगा ही नहीं, ठीक है ना, बराबर है। नेगेटिव में समझ लो अनस्टेबल रहेगा, जीरो रहा तो बॉन्ड ऑर्डर अगर जीरो मतलब बॉन्ड ही नहीं है, मतलब मॉलिक्यूल बनेगा ही, ठीक है ना। तो इस तरह से बेटा हम इसमें तीन डिसीजंस ले सकते हैं, बराबर है, बराबर है। उसके बाद बेटा मैं एग्जांपल जब सॉल्व करूंगा तो बॉन्ड लेंथ कैसे कंसिडर की जाती है वो बताऊंगा, ठीक है ना। लेकिन इस एनर्जी लेवल के डायग्राम के बेसिस पर हम ये तीन डिसीजन ले सकते हैं, एक स्टेबिलिटी वाला, एक मैग्नेटिक नेचर वाला और एक बॉन्ड ऑर्डर वाला, ठीक है बेटा, थैंक यू।